Good morning, students. I welcome you all on behalf of Krishnagar Academy School on this online classes. And I am sure you all are enjoying it. I hope you all are well and fine and take care of your health. Today, I am taking class 4 Hindi Vyakaran on topic Sangya. It is your second class. तो आइए हम टॉपिक पर जाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं, जो हम पिछले क्लास में किए थे। उसके प्रकार के बारे में जाने थे। उसके 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट क्लास में ही हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो परिभाषा है: जिन शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या किसी के मन के भाव के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसी, ईमानदारी, वीरता, बचपन आदि। तो भाववाचक संज्ञा में किसी के मन के भाव या फिर उनके गुण, दोष, दशा, अवस्था कुछ भी हो सकता है, जो हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी आ गया उसके भाव के गुणों के अंदर, वो ईमानदार व्यक्ति है। वो वीरता भी उसके गुण में आ गया है। बचपन क्या है, उसकी अवस्था है। दशा क्या है, इसके और अलग है, भेद है दशा के अंतर, जैसे वो अमीर है या गरीब है, ये सब कुछ उसमें आ गया है। भाव में हंसना, रोना, खुशी, प्रसन्नता, ये सब कुछ आ जाता है। तो भाव में क्या है, उसके कोई भी मनुष्य के भाव के बारे में प्रकट करता है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आ गया समुदायवाचक संज्ञा। इंग्लिश में हम उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसकी परिभाषा है: जिन शब्द से हमें किसी समूह के बारे में पता चले, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा से हमको पता चलता है कि कोई समूह के बारे में पता चले, कोई भी ग्रुप के बारे में। समूह का मतलब है ग्रुप। उसके उदाहरण में जैसे भीड़, कक्षा, मेला, सभा आदि। ग्रुप का मतलब जो भीड़ वाली जगह है। कक्षा में सब छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं, मतलब वो ग्रुप के साथ एक ग्रुप में पढ़ते हैं। कोई भी मेले में हम एक अकेले नहीं जाते हैं, कोई भी ग्रुप में जाते हैं, सब अपना अपना ग्रुप लेके जाते हैं। सभा में कोई भी सभा होता है तो उसमें ग्रुप के साथ कोई सभा होता है। तो इसमें हम समुदायवाचक संज्ञा के अंदर जो है हम समझ लिए हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जिस शब्द से हमें किसी द्रव्य पदार्थ या धातु के बारे में पता चले, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से पता चलता है कि कोई पदार्थ या फिर धातु के बारे में बोला जा रहा है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ में आ गया दूध, पानी, घी, तेल, ये सब द्रव्य पदार्थ के अंदर आ गया है। और धातुओं के बारे में जैसे लोहा, सोना, चांदी जो है, ये सब कुछ आ जाता है। तो इससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो इंग्लिश में मटेरियल नाउन के बारे में बोला जाता है। तो आज हम 5 प्रकार के संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं।
और अब हम उसके अभ्यास में जाएंगे। नेक्स्ट है जो हम अभ्यास में जाएंगे, इसमें हम क्या किए थे, लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो, संज्ञा के कितने प्रकार है उसके नाम लिखो, थर्ड में 10 संज्ञा शब्द लिखिए, फोर्थ में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो, पांचवा में जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो। आज का होमवर्क है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो, साथ में समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो, 8 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दो। जो आपको क्लास में से लिखना है, जो क्लास में करवाया गया है आज को, वहां से आपको ये डेफिनेशन लिखना है। अभी हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास जो है, प्रत्येक के 3 नाम लिखो। फर्स्ट में है महापुरुषों के नाम, जिसमें हम लिखे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें आप कोई भी महापुरुषों के नाम लिख सकते हैं। सेकंड में है नदियों के नाम, मैंने लिखा है गंगा, यमुना, कावेरी, यहाँ आप कोई भी नदियों के नाम लिख सकते हैं। थर्ड में है वस्तुओं के नाम, गिलास, कलम, चश्मा, कोई भी वस्तुओं का नाम यहाँ पे आएगा। चौथा में स्थानों के नाम, विद्यालय, दिल्ली, बगीचा, स्थान मतलब कोई भी स्थान का, कोई भी पर्टिकुलर स्थान का नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, आगरा ऐसे ही लिखना है, कोई भी स्थान, जाति, कोई भी जाति के अंदर जो स्थान आएगा वो सबका नाम लिखना है। पांचवा में प्राणियों के नाम, हाथी, खरगोश, मोर, कोई भी पक्षियों के नाम, कोई भी जानवरों के नाम हो सकता है। सिक्स में है भाव के नाम, जैसे हम बताए हैं क्लास में किसी भी भाव में के बारे में, जैसे कि गुण, दोष, दशा, अवस्था, उसके कोई भी भाव, जैसे मनुष्य के कोई भी भाव के बारे में हम लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखे हैं दया, प्रेम, हंसी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेवेंथ में है फलों के नाम, केला, आम, संतरा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आठवां में है फूलों के नाम, गुलाब, कमल, गेंदा, कुछ भी हो सकता है। नाइन्थ में है सब्जियों के नाम, आलू, बैंगन, लौकी, यहाँ कोई भी सब्जी का नाम आ सकता है। 10 में है इमारतों के नाम, जहाँ पे हम लिखे हैं ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, जिसमें हम कोई भी इमारतों के नाम लिख सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे संज्ञा का यहीं पे समाप्त होता है। हम क्लास 4 के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना तक ही, धन्यवाद, थैंक यू।